अभी तक की फाइंडिंग ये है कि डॉक्टर जो बीरबल साहब हैं वो गावर हो गए और अपने क्लिनिक से बाहर बता रहे हैं कि वो निकलते हैं, रोज़ाना यहीं से गुजर के जाते हैं वो, और ये नर्स उनके साथ बैठी हुई थी वो ज़ख्मी हुई हैं। फ़िलहाल तो मैं यही समझता हूँ कि इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, जब तक जो लेडी डॉक्टर जो इंजर्ड हैं उनसे थोड़े सवाल जवाब करने पड़ते, तो वो उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आया बज़ाहिर ये लगता है कि टारगेट को जो किया गया है, अब क्यों टारगेट किया गया है, उनकी जो कोई दुश्मनी थी या क्या था, नहीं ये तो मैं आपको अभी से इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि बहुत अर्ली सवाल हो गया ना कि जुबान कितने थे कोई ऐसे, जब तक हम लेडी डॉक्टर जो नर्स हैं उनसे जब तक कोई बात नहीं करेंगे और मैं भी आपको कुछ बताने से बात करूँ। अच्छा ये बताइएगा, एक वारदात लहरी एक्सप्रेस से कोई भी पुलिस की लगता नहीं साहब निशाना बनाया था और दूसरी भी उसी का तसलसल लग रही है, तो लहरी एक्सप्रेस का गैर पुलिस की नफरी तो वहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी होती है पुलिस की नफरी। अब ये एक ऐसे टारगेट अजीब सा एक वाकया ये है कि उनके हेड इंजरी हुई है, अब हेड इंजरी उनको बोथ साइड उनको हेड इंजरी हुई, किसी ने इनको लाजमी सी बात है कि बिल्कुल टारगेट किया है। अब गाड़ी को अगर आप सिचुएशन देखें तो गाड़ी में भी एक गोली जो है वो सिर्फ बोनट के ऊपर टच करती है, बाकी वो गोली उनको कहाँ से लगी, बाहर से मारी गई, अंदर से मारी गई, ये तमाम चीज़ें अभी चेक करें। एमपीज़ कितनी मिली हैं ये बताइएगा, कोई इनको पहले से क्या है? देखिए अगर मैं अभी कोई ऐसी बात करूँ जिसका कोई सिरा ना हो तो उसको बात करना मेरे ख्याल में फजूल होगा, जब तक तमाम चीज़ें क्लियर ना हो जाए। मैं खुद अभी जा रहा हूँ, रिलेटेड जो नर्स है मुझसे खुद मिलूंगा जाके अभी, और फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी अपडेट होगा। अच्छा ये बता दें वेपन कौन सा इस्तेमाल हुआ, छोटा या बड़ा? पिस्टल यूज हुआ है और उसके होल भी बरामद हो गए, तो इंशाल्लाह जैसे क्लियर होगा आप लोगों को बाकी भी इन्फॉर्मेशन। अभी कहाँ से निकले थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ रूट और उनका डेली रूटीन लाइन में बता रहे अभी मुझे कि क्या रेनफोर्ड लाइन में उनका जो है वो क्लिनिक है और डेली वो यहीं से आउटबैक करते थे। हदूद क्लियर रही तो सोल्जर की ये गार्डन, हदूद का कोई मसला नहीं है, सोल्जर भी अपना है, गार्डन भी अपना है, वो कोई मसला नहीं, पूरा शहर अपना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।